तो गाइस यार कैसे हो यार आप सभी के सभी। यार आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पीसी के अंदर ब्लू सेक्स 5 का एकदम यार कम्प्लीटली लैग फिक्स कर देंगे। यार जो भी आपका FPS ड्रॉप होगा यार वो 6-7 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो यार ये जो वीडियो है यार ये बिल्कुल एकदम भाई उन लोगों के लिए जिनके पास भाई APU है भाई, जिनके पास भाई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है भाई। राइजन के जो ये प्रोसेसर आ रहे हैं भाई, राइजन 5 4400G 5600G 3400G, यार इन सब का जो है ना लेग्स फिक्स हो जाएगा भाई इमीडिएट में। तो चलो यार चलते हैं अपने। तो गाइस यार ये आ चुके हैं हम लोग अपने पीसी पे। तो यार यहाँ सबसे पहले आपको जाना है यार अपने ग्राफिक्स मैनेजर में AMD के। तो यार ये रहा हमारा ग्राफिक्स मैनेजर, यहाँ पे मैं अपना ब्लू सेक्स ओपन कर लेता हूँ। तो यार यहाँ तुम लोग भाई जो भी सेटिंग है भाई सेम टू सेम भाई अपने पीसी में ऐसे ही कर लेना यार, जो मैं तुम लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यार वीडियो को एक बार पॉज करके भाई सुकून से देख लो भाई, जो भी सेटिंग है भाई इसे कर लेना। अब इसके बाद भाई आपको क्लिक करना है अपनी विंडोज़ की पे और यहाँ से भाई सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्राफिक्स सेटिंग्स। यहाँ पे आने के बाद यार तुम लोग को भाई ब्लू सेक्स को यहाँ से हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है भाई। ये सब करने के बाद सिंपली आपको अपना ब्लू सेक्स 5 खोलना है। तो यार यहाँ भाई ब्लू सेक्स 5 खुलने लगेगा। तो यार सिंपली गेम खुलेगा तो यार गेम को हटा देना यार। उससे पहले इन सबसे पहले यार मैं तुम लोग को अपना पीसी का वो दिखाना चाहता हूँ यार, मेरा क्या सिस्टम कंपैटिबिलिटी है। तो यार मेरे पास है AMD का Ryzen 5 Pro 4400G विद Radeon ग्राफिक्स। तो यार मैंने तुम लोग से पहले ही कहा था ये सिर्फ APU वाले पीसीज के लिए हैं जिनसे BlueStacks 5 लैग होता है। तुम लोग देख सकते हो यार यहाँ 16GB की रैम है 266 MHz की। और यार मैंने अभी फिलहाल अपने गेम को SSD पे इंस्टॉल कर रखा है ताकि यार बेटर परफॉर्मेंस मिल सके हमें। हार्ड डिस्क से यार काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है ना यार SSD इस वजह से। तो यार फिलहाल अभी BlueStacks की यहाँ से सेटिंग्स मिलाना है। सेटिंग्स मिलाने के बाद यार जो भी मैंने यहाँ से कर रखा है CPU भाई इन सबको हाई कर लेना है। और यहाँ मैंने यार 4-core कैसे सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि यार मेरे पास जो ना 6-core 12-thread का प्रोसेसर है इस वजह से। और भाई 16GB रैम है तो भाई यहाँ सिंपली यार हाई पे सिलेक्ट कर देना है। तो यार 4 से अब वो खुद ही ले लेगा जितनी उसे चाहिए होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। परफॉर्मेंस भाई हाई परफॉर्मेंस। और भाई डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ से आपको 720p सेलेक्ट करना है और भाई पिक्सल डेंसिटी भाई 240 dpi सेलेक्ट करनी है। और भाई कर्सर भाई जो तुम्हारी मर्जी करे भाई वो तुम कर सकते हो। और ग्राफिक्स में जाना है भाई, ग्राफिक्स में भाई ग्राफिक्स इंजन मोड भाई कंपेटिबिलिटी और भाई ग्राफिक रेंडर OpenGL करना है भाई। इंटरफेस रेंडर भाई ऑटो पे रखना है और भाई और ये वाला जो ऑप्शन है भाई इसे सॉफ्टवेयर डिकोडिंग रखना है और भाई GPU बंद रखना है। अगर भाई आप GPU ऑन कर लेते हो तो भाई आप बॉटल लैग होगा भाई। और भाई जो मसला जो है ना भाई सबसे ज़्यादा मसला भाई इसी में आता है आप BlueStacks को अगर आप APU देते हो, APU वाला ग्राफिक कार्ड देते हो तो भाई आपका गेम लैग कर रहेगा ही करेगा क्योंकि यार ये सही से ऑप्टिमाइज नहीं है भाई एमुलेटर। तो यार ये सब सेटिंग कर ली, अब जाना है भाई आपको अपने फ़ोन वाले उस पर और यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेना है भाई। सब हो गया, अब अपना सिंपली यहाँ से गेम ओपन करना है। तो यार अब हमारा BGMI ओपन हो रहा है। तो भाई यार तुम लोग भाई सबसे ज़्यादा देखते होगे भाई गेम खेलते हैं भाई FPS ड्रॉप हो रहा है भाई इतना ज़्यादा FPS, अब भाई मैं फाइट नहीं ले पाऊंगा। कभी कभार यार होता है यार तुम लोग यहाँ से FPS काउंटर ऑन करो भाई, FPS काउंटर को भाई बिल्कुल डिसेबल कर दो भाई, इसे मत देखा करो। पहली बात भाई लैग फिक्स तो हो जाएगा, मतलब भाई तुम लोग भाई गेम की स्मूथनेस देखा करो भाई, FPS मत देखा करो भाई। इसमें जो ना भाई प्रॉब्लम है यार BlueStacks 5 में यार बड़ी प्रॉब्लम होती है। वर्जन देखो यार इस वाले वर्जन में करना है तुम्हें, लेकिन यार तुम भाई FPS बिल्कुल मत देखा करो भाई, तुम जो ना भाई स्मूथनेस देखना यार ये वाली सेटिंग्स करने के बाद। तो यार बाकी हमारा यार ये गेम खुल चुका है। तो यार यहाँ मैं जल्दी से एक PDM मैसेज स्टार्ट कर देता हूँ और आपको यार गेम प्ले दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। तो यार मिलता हूँ तुम। हाँ यार एक बात और यार, तुम लोग को भाई थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यार मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो यार मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर ले रहा हूँ।
win. The blue team is about to win. Half of the match is blue team and victory. The blue team is in the lead. तो भाई यार हम लोग का यार टीडीएम हो चुका है यार। तुम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आई होगी भाई, तुम लोग देख रहे होगे भाई एफपीएस काउंटर भाई यार वो वैसे भी भाई ड्रॉप जा रहा है, क्योंकि यार मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और भाई गेम प्ले भी चल ही रहा है। और भाई तुम लोग भाई एक बार यूज करके देखना भाई, अगर स्मूथ ना चले भाई पहले से अगर कुछ भाई फर्क ना हो तो भाई वीडियो डिसलाइक कर देना भाई, मैं खुद कह रहा हूँ भाई वीडियो डिसलाइक कर देना। तो बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, यार मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो यार मिलता हूँ तुम लोग से फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक को लेकर।